क्वेश्चन नंबर 51, द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 5, 10, 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, बट वेन डिवाइडेड बाई 7 देर इज नो रिमाइंडर. नाउ देखो कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फॉर 7 डिविजिबिलिटी. दिस इज डिविजिबल बाई 7, दिस इज डिविजिबल बाई 7, दिस इज डिविजिबल बाई 7 एंड दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. Right, every number divisible by 7. Now, when we divide number by 5, remainder is 2. It means, देखो मैंने आपको बार बार बताया 5 के लिए जो टेबल होती है 0, 5 आता है और remainder 2 है तो last digit should be 2 or 7. So, ये option नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. Only option possible is B. तो कुछ tricks होती है आपको ध्यान रखनी है to crack the examination. Now, what least number must be subtracted from 1936 so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15 will leave remainder 7 in each case. अच्छा, now 15 का table भी मैंने आपको बताया था, last में 15, 30, 45 and so on आता है और remainder 7 है, तो 7 इसमें add करो तो last digit of the number should be 22 or 2 or 7. अच्छा, अगर मैं इसमें से 7 subtract करता हूँ, मान let's say we subtract 37 from this, last digit would be 9, so this is not possible. If we subtract 6, it would be 0, not possible. If we subtract 9, then it would be 7 and if we subtract 0 it would be 6. So only possible answer is C. देखो आपको अगर ये ट्रिक पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अदरवाइज तो बहुत लंबा है. इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देखना तो मेरे कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो. द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 18, 27, 36 लीव्स रिमाइंडर 5, 14 एंड 23. ओके, अब द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 18, ओके 18 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आ रहा है. इसका मतलब इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम एवरी नंबर इट विल डिविजिबल बाई 18. इफ वी सब्ट्रैक्ट इट इज 144 एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 इट वुड बी 72. नाउ एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 18. देखो यहां पर 90 आया था ना. नाउ ऑल दीज नंबर डिविजिबल बाई 18, सॉरी. नाउ अब 27 की बात करते हैं, तो अगर मैं 14 सब्ट्रैक्ट करता हूं, 95 माइनस 14, 113 माइनस 14. देखो हम रिवर्स पोजीशन में क्वेश्चन कर रहे हैं. इट इज 99. दिस 99 इज नॉट डिविजिबल बाई 27, सो दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज देखो मैंने क्या किया है, 14 रिमाइंडर है, तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम ईच नंबर इट शुड बी डिविजिबल बाई 27. नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम दिस इट वुड बी 81, सो दिस इज डिविजिबल बाई 27. नाउ 149 माइनस 14, दिस इज 135, इट इज डिविजिबल बाई 27. दिस मे बी पॉसिबल. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 77 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट इज 63 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 27. तो दो ऑप्शन कट गए. देखो हमने एक कंडीशन चेक की, 5 फर्स्ट वाली, ऑल आर पॉसिबल. नाउ व्हेन वी चेक फॉर 27, 14 से अब हमारे दो ऑप्शन कट गए, तो हमारे पास बचे क्या, अब ये दो ऑप्शन पॉसिबल हैं. नाउ 36 में 23 आ रहा है, तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 23 फ्रॉम दिस इट वुड बी 72 एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस इट वुड बी 117. दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 36, सो आंसर पॉसिबल इज ओनली ए ऑप्शन. ठीक है, बहुत जल्दी करना होता है, बट डिविजिबिलिटी चेक करो और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो. जो नहीं हो सकता उसको आप छोड़ सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7, 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3 एंड वेन डिवाइडेड बाई 9 नो रिमाइंडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक डिविजिबिलिटी बाई 9. नाउ 7, 7, 14, 14, 21, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. 8, 1, 9, दिस इज डिविजिबल बाई 9. 5, 4, 9, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 9 एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो आंसर पॉसिबल इज ओनली बी. देखो एग्जाम में क्वेश्चन था, एक लॉजिक से हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच वेन डिवाइडेड बाई 12, 16, 24 लीव्स रिमाइंडर 2, 6 एंड 14. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रूल वुड बी दिस, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम एवरी नंबर दिस शुड बी डिविजिबल बाई 12. तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9, 9, 7, 2. अच्छा 12 में होता है 4 एंड 3, तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 3 बिकॉज ये 4 से तो हो रहा है डिवाइड बिकॉज आखिरी में 72 है. सो दिस इज डिविजिबल बाई 12, दिस इज पॉसिबल. नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस, दिस इज 968. नाउ सम ऑफ डिजिट इज 9, 9, 18, 24 एंड 32, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. देखो अगर 3 से नहीं होगा तो 12 से भी नहीं होगा. नाउ दिस इज 9, 8, 0, 5, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑड नंबर हो जाएगा, ये 12 से नहीं होगा. नाउ 9, 9, 9, 6, इट इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज 4. सो अब हमारे पास दो ऑप्शन पॉसिबल है. उसके बाद नाउ व्हेन वी डिवाइड दिस बाई 16 रिमाइंडर इज 6, तो मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट करता हूं, अब मैं इन दोनों को चेक नहीं करूंगा. ठीक है, नाउ दिस वुड बी 9, 9, 68. नाउ चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 3 सॉरी 16 चेक करना है हमको.
वेट, नाउ 16 से चेक करते हैं क्या ये नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है। 16 के लिए हम क्या करेंगे, ओके दिस इज 9 6 जा और 36 9 4 जा एंड यस ये 16 से हो रहा है। नाउ इफ वी सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम दिस इट इज 9 9 9 2, नाउ 16 6 जा एंड 72, ये 16 से नहीं हो रहा है तो आंसर पॉसिबल इज ओनली ए। ओके डिविजिबिलिटी चेक करना है, एचसीएफ एलसीएम आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 20 35 रिमाइंडर इज 8, नाउ अप्लाइंग सेम कॉन्सेप्ट 15 रूल, 15 टेबल इज ऑलवेज एंड विद 5 और 0 एंड रिमाइंडर इज 8, सो इट विल एंड विद 8 और 3, नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, नाउ दीज 3 आर पॉसिबल। नाउ व्हेन वी डिवाइड, ओके डू वन थिंग, सब्ट्रैक्ट 8 दिस इज 330, सब्ट्रैक्ट 8 दिस इज 320 एंड सब्ट्रैक्ट 8 दिस इज 420, नाउ 35 से ये डिविजिबल होने चाहिए, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7, हेंस विल बी नॉट डिविजिबल बाय 35 एंड दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7, 337 से डिवाइड नहीं होता ना, तो केवल पॉसिबल क्या है ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 12 और 10 और 8 लीव्स रिमाइंडर 6 इन ईच केस, द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड, देखो यार 12 से डिवाइड करो, 10 से करो, 8 से करो, रिमाइंडर हर केस में 6 आता है, तो देखो अच्छा स्मॉलेस्ट पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट 66 है, नाउ व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 8 इट विल गिव अस रिमाइंडर 2, नॉट पॉसिबल, नाउ व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 8 रिमाइंडर इज 6, व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 10 रिमाइंडर इज 6 एंड यस दिस इज द आंसर बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके दिस बी एंड ए विल फुलफिल दिस कंडीशन बट वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस एट एवरी 24 36 एंड 54 सेकेंड, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 10:15 एएम एट देन आउट व्हाट एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। ओके आपको करना क्या, इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, देखो ये है 8 × 3 दिस इज 9 × 4 एंड दिस इज 27 × 2, सो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 8 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 27, सो दिस इज द टाइम दीज लाइट्स विल चेंज आफ्टर दिस मच टाइम, दिस इज 216 सेकेंड्स और 3 min 36 seconds, सो इट विल चेंज अगेन एट 10:18:36 seconds, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग, ओके सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ है 5 किलोमीटर, ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, बी रन्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड सी रन्स एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर 5 by 2.5, 3 by 2.5 and 5 by 2, सो इनका जो इंडिविजुअल टाइम होगा इट इज 2, 5 by 3 and 5 by 2, नाउ टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन द रूल इज एलसीएम ऑफ देयर इंडिविजुअल टाइम, सो एलसीएम ऑफ 2, 5 by 3 and 5 by 2, इट इज एलसीएम ऑफ टॉप 5, 5, 2 का एलसीएम हो गया 10 और नीचे 1, 3, 2 का एलसीएम हो गया एससीएफ हो गया 1, देखो वो होता है ना रूल फ्रैक्शन के लिए टॉप का न्यूमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का एससीएफ, सो 10 आवर्स इज द आंसर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रनर्स स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, दे टुक 200 सेकंड 300 सेकंड 360 सेकंड एंड 450 सेकंड टू कंप्लीट 1 राउंड, आफ्टर हाउ मच टाइम डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब में एक जीरो कॉमन है तो हटा दो एंड एलसीएम विल कंटेन 10, नाउ 20 इज 4 × 5, 30 इज 2 × 3 × 5, 36 9 × 4 and 45 9 × 5, नाउ हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज इन दिस सो इट इज 4 देन 3 इज 9 एंड देन 5, सो एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज दिस एंड इंटू 10 जो हमने 10 अलग किया था राइट right? ये जो शॉर्टकट मैंने लिखा है ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है, दिस इज 1800 seconds और आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 bells ring at an interval of 4, 6, 8,
14. They start ringing simultaneously at 12 o'clock. At what time will they ring simultaneously? Okay. तो देखो इनका एलसीएम ले लो. अब यहां पर ध्यान रखो 4 और 8. तो 8 सबसे हाइयर पावर होगी, 3 की पावर 1 यहां पर और 7 की पावर 1. तो आफ्टर दिस मच टाइम दे विल रिंग टूगेदर. तो इट इज 168 सेकेंड और 2 मिनट 48 सेकेंड. सो दे विल रिंग आफ्टर 12 आवर 2 मिनट एंड 48 सेकेंड. आंसर हो गया ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर बेल्स रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट, 1 आवर 1/1/2 आवर्स, 1 आवर 45 मिनट. सो वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द बेल रिंग्स समथिंग एट 12 नून, दे विल रिंग अगेन. तो पहले हम क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं आवर में सबको. दिस इज 1/2, दिस इज 1, दिस इज 3/2 एंड दिस इज, देखो 45 क्या होगा, 45/60 और 3/4, 7/4. नाउ इफ वी हैव टू चेक व्हेन दे विल रिंग टुगेदर अगेन, देन विल टेक एलसीएम. सो न्यूमरेटर का एलसीएम 1, 3, 7 का एलसीएम होगा 21 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ दिस इज 1. सो दे विल रिंग आफ्टर 21 आवर्स. नाउ अगर ये 12 नून को एक साथ बजती है, दे विल रिंग टुगेदर अगेन एट 9 AM. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर. फोर बेल्स रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 5, 6, 8 एंड 9 सेकेंड्स. All the bells ring simultaneously at some time. They will again ring simultaneously after. इन सब का एलसीएम ले लो. देखो यहां पर 5 है, इधर हाईएस्ट 8 है, इधर 9 है. सो इट इज 5 × 8 × 9, 360 सेकेंड और 6 मिनट ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्री बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट 11 AM. दे रिंग एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 30 मिनट एंड 40 मिनट. द टाइम वेन ऑल द थ्री बेल्स रिंग टूगेदर नेक्स्ट इज, इनका एलसीएम ले लो. देखो 20, 30, देखो 10 अलग कर लो. अब 4, 3 या 12, तो 12 × 10, 120 मिनट दे विल टेक टू रिंग अगेन. सो इट इज 2 आवर्स. सो 11 AM पे पहली बार बजी थी, नेक्स्ट दे विल रिंग एट 1 PM. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट विच वेन डिवाइडेड बाई 3, 5, 7, 9 लीव्स रिमाइंडर 1, 3, 5 एंड 7. देखो तरीका तो अलग है, लेकिन हम लॉजिकल कैसे करेंगे. अगर मैं इन नंबर में से 3, 1 सबट्रैक्ट करता हूं, 9, 7, 6, 2, इट शुड बी डिजिट बाई 3. यस इट इज डिजिट बाई 3. मैंने क्या किया होगा, डिजिट सम कर लिया होगा. 1 सबट्रैक्ट करो 9, 7, 6, 3, दिस इज नॉट डिजिट बाई 3. सो इट दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ 1 सबट्रैक्ट करो 9, 7, 6, 5, दिस इज डिजिट बाई 3. नाउ 1 सबट्रैक्ट करो 9, 7, 6, 4, दिस इज नॉट डिजिट बाई 3. सो वाइल चेकिंग फॉर 3 वी हैव कर्टेल अवर 2 ऑप्शन. अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन ए एंड सी. नाउ बी एंड डी इज कैंसल्ड आउट. नाउ इफ वी सबट्रैक्ट 3 इट इज डिजिट बाई 5 एंड इफ वी सबट्रैक्ट 3 हेयर 9, 7, 6 इट इज नॉट डिजिट बाई 5. सो आंसर पॉसिबल इज ओनली ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Five bells begin to toll together and toll respectively at interval of 6, 7, 8, 9 and 12. After how many seconds will they toll together again? अच्छा देखो अब इसको जल्दी से LCM कैसे लेते हैं. देखो 9 यहाँ हाईएस्ट है, 3 की पावर, इधर 8 है और फिर 7 है. तो इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा आंसर होगा और आंसर शुड बी डिवाइडेड बाई 7. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस 7, 8 जा, दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ दिस इज पॉसिबल and when we divide this is not possible. So only answer possible is C. Okay, divisibility rule ko bahut jaldi check karna hai, aapka question ho jayega. Next question. LCM of 2/3, 4/9 and 5/6. Now the rule is, dekho yaar, 2, 4, 5 ka LCM ho jayega 20 and denominator mein 3, 9, 6. HCM nikalte denominator ka, it is 3. So answer is B option. Next question. The number nearest to 10,000 which is either divisible by 3, 4, 5, 6, 7 and 8. देखो कितना आसान क्वेश्चन है. First of all, we will check for 5. This is not divisible by 5. अच्छा, then we will check for 3. This is divisible by 3. This is divisible by 3. This is not divisible by 3. देखो हमने जब दो ऑप्शन, दो वैल्यू चेक की 3, 5, तो दो ऑप्शन कट गए. Now, we will check for 5. Both are divisible by 5. We will check for 7. Now, 7 1 is 7, 7 3 is, yes, this is divisible by 7. But we have to check nearest.
ऑफ 10,000. दिस इज वेरी फार फ्रॉम दिस. सो आंसर पॉसिबल इज ओनली बी ऑप्शन. आप चेक कर लो, 8 से और 7 से दोनों से ही होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर एग्जिट डिजिट बाई ईच 12, 15, 18 and 27. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 12 कंटेनिंग 4 एंड 3. तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4 एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4. देखो लास्ट के डिजिट 2 है ना, यहाँ 90 है, यहाँ पर 30 है, जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है. अब बचे मेरे पास टू ऑप्शन. नाउ लार्जेस्ट ऑफ फोर डिजिट, सबसे फोर डिजिट की लार्जेस्ट ये नंबर दिख रहा है, इससे जब बड़ा है हम इसको चेक करेंगे पहले. 4 से, 3 से यस, 15 से यस, 18 इनके डिजिट का सम नो. दिस इज नॉट डिजिटल बाई 18 बिकॉज देखो 9960 के जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है. सो आंसर इज पॉसिबल बी ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिजिटल बाई 16, 20, 24. नाउ 24 कंटेनिंग 3 नाउ, बट इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सो द नंबर शुड बी डिजिटल बाई 9, क्योंकि 3 का सिंगल 3 तो होगा नहीं स्क्वायर में, इट वुड बी 9. तो देखो 9 से, ये 9 से नहीं हो रहा है, ये 9 से हो रहा है, ये 9 से नहीं हो रहा है, ये 9 से हो रहा है. ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट लीस्ट नंबर. तो बाकी चेक कर लेते हैं. देखो 20 में 5 है, 5 के साथ स्क्वायर होगा 25, 25 से ये हो रहा है, यस. 16 से ये हो रहा है ना, और 8 से भी होगा. तो आंसर इज ओनली पॉसिबल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर नियरेस्ट टू 43582 डिविजिबल बाई ईच ऑफ 25, 50 and 75. नाउ वेरी गुड क्वेश्चन. देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है आपको. पहले तो हम देखते हैं 75 क्या होता है. 25 into 3. सो चेक करो नंबर 3 से कौन सा हो रहा है. ये 3 से हो रहा है, ये 3 से नहीं हो रहा है. अच्छा, दिस 43730 ये 3 से हो रहा है एंड ये 3 से नहीं हो रहा है. तो वी हैव रिमेनिंग विद ओनली टू वैल्यूज, ए एंड बी. अच्छा, नाउ 4350 अगर मैं बात करता हूं 43582 की, ये इससे 82 बैक है और ये इससे समवेयर अराउंड 78 आगे है. तो अब ये ज्यादा पास है, तो इसको चेक करते पहले. 25 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 50 से, 25 से हो रहा है और ये 3 से. यस, दिस इज द आंसर. देखो ये भी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है लेकिन ये क्लोज है. हमको पूछा नियरेस्ट नंबर. देखो मैं जितना तेज क्वेश्चन कर रहा हूं उतना ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एग्जाम इन्हीं ट्रिक्स से निकलता है, आपको वहां वेट नहीं कर सकते हो आप. द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज बाई 5 इज डिजिटल बाई ईच 24, 32, 36 and 54. इसका मतलब अगर मैं इसमें देखो इसमें अगर मैं 5 ऐड करता हूं सभी नंबर में तो ये कितना हो जाएगा. 874 दिस वुड बी, 864 दिस वुड बी, 4325 एंड दिस वुड बी 432. नाउ बिकॉज दिस इज ऑड नंबर और हमारे सारे ये इवन नंबर है तो दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ अब हम चेक करेंगे. देखो 36 में 9 है, तो देखो इस ऑप्शन में जो भी वैल्यू बनी है इसमें कौन कौन सा 9 से हो रहा है. दिस इज नॉट डिजिटल बाई 9, तो ए इज नॉट पॉसिबल, ए और सी कैंसिल हो गए. नाउ 864 दिस इज डिजिटल बाई 9, 432 दिस इज नॉट डिजिटल बाई, यस दिस इज डिजिटल बाई 9. अब बचा मेरे पास 32, 24. अच्छा हमको इसमें देखना है स्मॉलेस्ट नंबर विच वेंट इंक्रीज बाई 5 इज डिजिटल बाई. अच्छा 432 को देखो क्या ये 16 से हो रहा है. 112 दिस इज नॉट डिजिटल बाई 16, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ओनली पॉसिबल इज बी ऑप्शन. आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी. द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5834 गिव्स अ नंबर एग्जैक्टली डिजिटल बाई 20, 28, 32 and 35. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ दिस नंबर डिजिटल बाई मल्टीपल ऑफ 5 द लास्ट डिजिट वुड बी 5 और 0. नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट 1120 फ्रॉम दिस 1120 लास्ट डिजिट वुड बी 4, इट विल नॉट डिवाइड दिस. दिस इज नॉट पॉसिबल. अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल. ओनली पॉसिबल आंसर इज बी. अच्छा इसमें बात को दोबारा बता रहा हूं, ध्यान देना. वी हैव टू चेक what number we should subtract from 5834 so that when the resultant divided by 20, 28, 32 and 35 when we subtract some number from the option it is divided by 35, 32, 28, 20. now for 20 now 20 किसी नंबर से तब डिवाइड हो जब आखिरी में 0 हो. इसका मतलब जो भी हम सब्ट्रैक कर रहे हैं दिस वुड बी लास्ट डिजिट वुड बी 4, क्योंकि अगर 4 नहीं हुई ना तो इसका जब सब्ट्रैक्ट करो 0 नहीं आएगा. ओनली पॉसिबल आंसर इज बी. बाकी सब आंसर में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आखिरी में 4 आएगा और 4 जिसके आखिरी में इट विल नेवर डिजिटल बाय 20. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
4. The smallest perfect square. First of all, we will check which of the following is perfect. This is perfect square. This is perfect. This is not a perfect square. This is perfect square. Now, divide by 6, 12 and 18. So, we will start with smallest. 6 se divide hoga, yes. 12 se yes. And 18 se yes. So, the answer is only D option. Next question. The greatest 4 digit number exactly divided by 10, 15, 20. Now, last digit should be 0 for every number because 10 se divide hone ke liye 0 should be there. So, D option is not possible. Now, 15 containing 5 and 3. So, that number should be divided by 3. So, this is not divided by 3. This is divided by 3. This is divided by 3. And, but 20 containing 4 and 5. So, this last 2 digit is not divided by 4. So, answer only possible is B. Next, find the least number which when divided separately by 15, 20, 36, 48 leaves 3 remainder in each case. Dekho yaar, bahut simple si baat hai, 15 ke liye last digit remainder 3 would be 8 or 3 and for 20 it would be 3. So, last digit of the answer should be 3. Achha, every number having last digit as 3. Ab hum kya karenge? First of all, 183, achha, samjhe 3 subtract kar lo. We will remain with 180, 240, 480 and 720. Now, this number, every number divided by 15, yes, 20 se divide ho raha hai, 36 se, this is not divided by 36, so, because, dekho, 36 mein 9 hota hai, this is not divided by 9, this is divided by 36, but this is not divided by 48, so, ye option nahi ho sakta, ye nahi ho sakta. Now, 480, this is not divided by 9, so, only possible answer for this question is D option. Okay, next question. Three men step off together from the same spot. Their step measure 63, 70 and 77. The minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step. Okay. For that we will take LCM of these numbers. Dekho, this is 9 into 7. This is 7 into 2 into 5 and this is 11 into 7. So, in this case, we have to take their LCM. Dekho, 2 ki highest power 2 hai. 5 hai, 3 ka 9 hai aur 7 11. So this product would be our answer. Ab hum dekhenge kaun sa number 9 se divide ho raha hai. Acha sabhi number same hai. Acha ye number 9 se divide nahi hoga. Baaki dekho ye 693 936 963 sabhi same hai, bas digit aage piche kar rakhi hai. Ab hum check karenge 11 ki divisibility. Dekho yaar, for 11 3 9 12 minus 6, this is not divisible by 11. Aapko pata na 11 divisibility, 9 6 15 minus 3 not divisible by this. Yes, this is divisible by. So, dekho, do, teen option kat gaye, bacha hamare paas C answer. Okay, next question. The maximum number of students amongst whom 1001 and 910 pencil can be distributed in such a way that each student gets same number of pen and same number of pencil. Okay, to is tarah question mein hamesha kya karte hain? LCM nikal, HCF nikalte hain. To 1001 kya hai? 7 into 11 into 13. Aur ye kya hai? 7 into 13 into 2 into 5. तो इनका एचसीएफ कितना हो गया? 13 7 जे 91. So answer क्या हो गया? A option. जब भी distribution होगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे. Next question. The greatest number which when divided by 989 and 1327 leaving remainder 5 and 7. Okay. आप एक काम करो, सबट्रैक्ट कर लो इसमें से 5, ये हो गया 984 और ये हो गया 1320. हमें निकालना है इनका एचसीएफ. तो आपको पूछा ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर 32 है. सो वी विल स्टार्ट विद 32. 984 32 से 32 3 जा 96 24, ये 32 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 32 इज नॉट पॉसिबल. नाउ 24 से चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 24 में 8 into 3 है, तो 3 से ये हो रहा है. यस, ये भी हो रहा है. अच्छा, 8 से चेक करो, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यस 8 से हो रहा है. 8 1 जा 8, 8 6 जा, और यस ये हो रहा है. तो इसका आंसर इज सी. देखो मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैं ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करूंगा और फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर हम लोएस्ट पे आते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 2 by 3, 4 by 5 and 6 by 7. Now, rule of SCF is numerator SCF. 2, 4, 6 ka SCF 2. Achha, keval 1 mein 2 diya, answer keval yehi hoga. Ab aap aage karoge, niche ho jayega inka LCM. 3, 5, 7 ka, which is 105. So, answer is B option. Next question. Let n be the greatest number that will divide 1305, 4665 and 6905
the same remainder in each case. Now that question is very important. For same remainder, what we'll do? We will subtract every value. The rule is like HCF of 4665 minus 1305 comma 6905 minus 4665 and 6905 minus 1305. Right, now we will calculate HCF like this. This is 0633, then this is 0422, this is 0065. Now one important part in this case, we have to calculate greatest number. Okay, first of all we will calculate HCF of these number and we'll calculate its sum of digit. Now 10 sum mein common hai to 0 alag kar lo, 10 to gayi. Ab 336, 224 and 560 ka aapko nikalna hai HCF. Now 4 sum mein ja raha hai, 4 alag kar lo. Now 4 8 ja and 4 4 ja, 4 5 ja, 4 6 ja and 4 1 ja, 4 ja 140. अब देखो सब 7 से जा रहे हैं, 7 अलग कर लो. ये एससीएफ निकालने का बहुत आसान तरीका होता है. 7 12 जा, 7 8 जा एंड 7 2 जा. अब इसमें सब में कॉमन क्या है? 4 है ना, तो 4 एक लिख लो. 4 3 जा, 4 2 जा एंड 4 5 जा. अब सब अलग हो गए. दिस इज द एससीएफ. नाउ दिस इज 16 into 7 into 10, दिस इज 1220. This is 112. So sum of digit is 4 and this question is very important. देखो CGL question है, बहुत अच्छा question था. जब भी आपको same remainder दे और remainder ना दिया हो तो आपको separately one by one subtract करना होता है. Next question. What is the greatest number that will divide 307, 330, leaving remainder 3 and 7? तो आप subtract कर लो. This is 304 and this is 323. Now, अच्छा अब एक बड़ा important part है इस question में. देखो आपके पास जो वैल्यूज दे रखी हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो जाता है. देखो 19 सबसे पहला नंबर से स्टार्ट करता है. अच्छा 16 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ए ऑड नंबर. 19 से डिवाइड करो, 19 वन जे 19 और 114. व्हेन वी डिवाइड 114 बाय 19 इट इज डिविजिबल. ठीक है, ये 19 से डिवाइड हो रहा है. 16 इंटू 19. नाउ चेक वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 19 और नॉट. 1 Yes, it is divisible by 17 time. So 19 is the common factor. So answer is only 19. Okay, next question. Which greatest number will divide 3026 and 5053, leaving remainder 11 and 13? So subtract kar lo. This is 5103 and this is 5040. Now, ek important point ye ho gaya ki aakhri mein 5 hai, theek hai? तो अब इसमें 5 आप अलग कर लो. 5603 एंड 51008. नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 9, दिस इज डिविजिबल बाय 9. तो 5 इंटू 9 और यहां 5 इंटू 9 तो होगा. तो 9 5 जो 45 तो होना ही होना है और 60 नहीं होगा बिकॉज इसके आगे 0 नहीं है. सो हाईएस्ट नंबर इज 45 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 1657 एंड 2037 डिवाइडेड टू गिव रिमाइंडर 6 एंड 5. सबट्रैक्ट करो. तो दिस इज 1651 एंड दिस इज 2032. अच्छा अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कैसे इसको हम डिसाइड करेंगे. एक्चुअली यहां पे देखो बड़े अजीब से स्ट्रेंज नंबर है. अच्छा ये क्या है, 5 इंटू 4 और 7, दिस इज 5 इंटू 61 एंड दिस इज 127. दिस इज अ प्राइम नंबर. 133 इज अगेन अ प्राइम नंबर. सो अब हमको करना क्या पड़ेगा, अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे. चलो इसको एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं क्योंकि डिवाइड से अच्छा ये तरीका आसान रहेगा जो बेसिक तरीका एससीएफ का है. वन टाइम जाएगा और ये मतलब मैंने अपना कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है 381. अच्छा अब देखो 381 से डिवाइड करो. अब एक चीज समझ लो, 381 इज अ फैक्टर ऑफ एचसीएफ. 127 ही डिवाइड कर रहा है, 133 डिवाइड नहीं कर रहा है. ओनली पॉसिबल आंसर इज 127. अब आप चेक कर लो, 127 से दोनों डिवाइड होंगे, ये लॉजिकल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड 2573 एंड 97, लीव द सेम रिमाइंडर. तो वही लॉजिक लगाएंगे, एचसीएफ ऑफ
73 माइनस 25, 97 माइनस 73 एंड 97 माइनस 25. तो दिस इज 48, दिस इज 24 एंड दिस इज 72. सो आंसर इज 24 बिकॉज 24 डिवाइड्स ऑल. एचसीएफ हो गया 24. आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 एंड 128 लीविंग रिमाइंडर 2. सो 110 128 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 108 एंड दिस इज 118. ओके, अच्छा अब हम एक चीज नोटिस करेंगे, सॉरी दिस इज 128, दिस वुड बी 126. ओके, अब देखो यार एक चीज नोटिस करो, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से, तो 9 तो होना ही होना है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल. ओनली आंसर पॉसिबल इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्कमैन हैज 75 लीटर्स एंड 45 लीटर्स केन, टू टाइप्स ऑफ केन, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ ईदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज कैलकुलेट एचसीएफ. सो एचसीएफ ऑफ 75 एंड 45 इज 15. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर बाय 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो इट वुड बी इन सेंटीमीटर 15, 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 902 सेंटीमीटर. नाउ फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट इट्स एचसीएफ. अच्छा, और इसकी साइड इसकी साइड मिला के एचसीएफ निकलेगा. अच्छा मान लेते हैं इसका एचसीएफ निकला एक्स, जो हम इसको x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा. अच्छा अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे निकालेंगे HCF. नो, या तो आप इतना जजमेंट कर सको कि नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, या फिर आप पूरा मेथड ले लो. नो, द अदर मेथड इज वी विल ब्रेक दिस नंबर इनटू इट्स फैक्टर. देखो ये 7 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, हम प्राइम नंबर चेक करेंगे. अब हम 11 चेक करते हैं, 11 8 जा एंड 2 जा, यस ये 11 से डिवाइड हो. देखो अब ये हो गया 11 इंटू 2 इंटू 41. अब देखो ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, 112 नहीं, ये 11 से नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा, तो 41 से डिवाइड होना चाहिए. 41 से 4 3 जा, यस 41 से हो रहा है, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ हो गया 41. तो टाइल की साइज जो होगी दैट वुड बी 41. सो एरिया ऑफ फ्लोर इज दिस एंड एरिया ऑफ वन टाइल इज 41 इंटू 41, दिस इज 22 एंड दिस इज 37. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू नंबर 37 जा 7 2 जा 14, लास्ट डिजिट वुड बी 4. आंसर इज ऑनली डी. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैसे हम नंबर ढूंढते हैं, और ये आपको सीखना आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 89, थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240, 96 बुक. देखो 336, 240 एंड 96 हैव टू बी स्टेक्ड इन सच ए वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ द ईच स्टेक इज सेम. जब बात बोलते हैं हाइट ऑफ द ईच स्टेक इज सेम, इसका मतलब द हाइट वुड बी एचसीएफ. तो इनका एचसीएफ निकालते हैं. नाउ लोएस्ट नंबर 96 है, दिस इज 24 इंटू 4, ठीक है, दिस इज 24 इंटू 10. अब हम देखते हैं क्या ये 24 से डिवाइड हो रहा है. 24 इंटू 1 टाइम जाएगा, यस 24 1 जा एंड 4 जा. सो 24 सब में कॉमन, अच्छा उसके बाद 2 भी कॉमन है, इसका मतलब 48 इज द एचसीएफ. अब हम 40 से डिवाइड करो, यहां से 2 रैक बन जाएंगी, दिस वुड बी 5 रैक्स एंड दिस वुड बी 7 रैक्स. सो टोटल नंबर ऑफ रैक्स वुड बी 14, इन सबको ऐड कर दो और हर एक की हाइट सेम होगी सब में, 48 48 बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर हैज 945 काउज 2475 शीप्स, ही फॉर्म्स देम इनटू फोक्स कीपिंग काउज एंड शीप सेपरेट एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल ईच फोक. इफ दीज फ्लॉक्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक एंड टोटल नंबर फ्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज आर. देखो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स मतलब एचसीएफ की बात करते हैं, तो हम चेक करते हैं. देखो यहां पर 45 15 46, तो देखो क्या ये नंबर 46 से डिवाइड होगा, 46 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं है. नाउ एवरी नंबर कंटेनिंग 5 एट लास्ट, तो 5 तो होगा ही होगा. अच्छा 9 से भी हो रहा है क्या ये, यस 9 से भी हो रहा है, तो ये
पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसमें थ्री और फाइव है खाली, इसमें नाइन है, फाइव नहीं है, तो ओनली आंसर पॉसिबल इज सी। अच्छा अब आगे करने की जरूरत नहीं, हमारा एक वैल्यू आ गई, बाकी आप क्या करोगे, 45 डिवाइड इसको करो, 45 से इसको डिवाइड करो, जो वैल्यू है इनको जोड़ देना आप, दैट वुड बी 76। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 42 लीटर ऑफ टोन मिल्क एंड 63 लीटर ऑफ डबल टोन मिल्क, इफ यू वॉन्ट टू पैक देम इन केन्स ऑफ सो दैट ईच केन कंटेन सेम लीटर ऑफ मिल्क एंड डज नॉट वॉन्ट टू मिक्स एनी टू काइंड ऑफ मिल्क इन अ केन, देन द लीस्ट नंबर ऑफ केन्स। तो वही लॉजिक करेंगे हम, इनका लेंगे एस सी एफ, देखो 21 42 इनका एस सी एफ 21 होगा, तो 21 से डिवाइड कर दो, वी नीड वन केन फॉर दिस, टू केन फॉर दिस एंड थ्री केन फॉर दिस, टोटल सम हो गया 6 केन्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 411 684 एंड 821 लीविंग रिमाइंडर 345, तो आप सबट्रैक्ट कर दो, दिस इज 408, दिस इज 680 एंड दिस इज 816। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट देयर एससीएफ। अच्छा अब एक चीज नोटिस करो, इस ऑप्शन में देखो 204 इसको डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, हमको वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, 204 इसको डिवाइड करता है लेकिन इसको नहीं करता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। 136 की बात करते हैं, ओके 136 डिवाइड दिस एग्जैक्टली थ्री टाइम्स, दिस एग्जैक्टली फाइव टाइम्स एंड दिस एग्जैक्टली सिक्स टाइम्स, सो 136 इज द आंसर सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें 40 है, देखो 40 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो आंसर इज ओनली पॉसिबल डी। देखो मेंस का क्वेश्चन था, कभी कभी मेंस में भी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 मैथ्स बुक, 90 फिजिक्स बुक्स एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स आर हैव टू बी स्टेक टॉपिक वाइज, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टेक सो दैट ईच स्टेक विल हैव द सेम हाइट टू। अच्छा अब आपको देखो नंबर ऑफ बुक्स पूछिए ईच स्टेक में, टोटल स्टेक नहीं पूछे हुए, तो आप सीधे एससीएफ निकालोगे वही आपका आंसर होगा। नाउ देखो हाईएस्ट वैल्यू 21 इसको डिवाइड करती है, इसको नहीं करती है, ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद 18 है, 18 से ये डिवाइड नहीं होता है, देन 12 से ये डिवाइड होता है, ये नहीं होता है, तो केवल पॉसिबल आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ओके क्योंकि सी सबको डिवाइड कर रहा है। ओके द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 729 एंड 901 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5, सो इट वुड बी 720 एंड 896। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, जो नंबर इसको डिवाइड कर, देखो 15 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में ये 20 से डिवाइड नहीं होगा, सो वी हैव रिमेनिंग विद टू वैल्यूज 16 एंड 19। ओके नाउ 16 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, यस 16 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, यस, सो आंसर इज ओनली सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ नंबर 28 एंड 42, देखो यार दिस इज 14 इंटू 2, दिस इज 14 इंटू 3, तो एलसीएम कितना हो गया 14 इंटू 2 इंटू 3 और एचसीएफ कितना हो गया 14, तो रेशियो वुड बी 66:1, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 54, देखो अगर रेशियो 2:3 तो मान लेते हैं एचसीएफ एक्स है, तो नंबर हो जाएंगे 2x एंड 3x, इनका प्रोडक्ट क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक्स कैंसिल हो गया, एक्स वुड बी 9, तो नंबर हो जाएंगे 2:9 एंड 3:9 एंड देयर सम 27 एंड 18 इज इक्वल 45, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120, देखो यार पहली बात तो आप एक चीज कर सकते हो, देखो ये जो ऑप्शन है इसका रेशियो 3:4 है, हमको चाहिए 4:5, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा यहां पर ये पॉसिबल नहीं क्योंकि ये इसका रेशियो आएगा 8:5:4, नाउ दिस इज 6:4 6:5, दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली पॉसिबल आंसर इज सी। अच्छा आप आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि आपको जो रेशियो दिया उसको सॉल्व कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री नंबर आर इन द रेशियो 2:3:4 देयर एचसीएफ इज 12, द एलसीएम, देखो यार अगर रेशियो 2:3:4 है और एचसीएफ 12 है तो नंबर हो गया 12:2, 12:3 एंड 12:4, नाउ देयर एलसीएम, एलसीएम में पहले कॉमन लिखोगे एचसीएफ, उसके बाद देखो 2 यहां पर है, 2 एक इसमें है, तो एक 2 लिख दिया मैंने, सिंगल यहां 2 बच गया और फिर ये 3 बच गया, तो देयर प्रोडक्ट वुड बी एलसीएम, तो दिस इज 48:3 और 144, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू नंबर आर इन द रेशियो 3:4, देयर एलसीएम इज 240, द स्मॉलर ऑफ द नंबर. ओके, देखो स्मॉलर 3 है, इसका मतलब नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए. ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का नहीं है, ये 3 का नहीं है. ओनली पॉसिबल आंसर इज सी. आप पूरा सॉल्व करो, तरीका यही होगा.